अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बताता चलूं, यार मेरे इंस्टाग्राम के दो पेजेस हैं जो कि मैं पिक्चर इधर चला रहा हूं और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में कर दी हैं। तो जाके यार मुझे उधर फॉलो करो, कोई बातचीत करनी हो तो उधर करो, मुझे बताओ। और इधर भी कमेंट सेक्शन में भी आप बात कर सकते हो और इधर इंस्टाग्राम में भी कर सकते हो। तो वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम एक्ट करने लगे हैं जी, वो है फोन बूथ का मूवी रिव्यू। तो हमने देखी है अभी रात ही को। तो ये मूवी वैसे रिलीज हुई थी 4 नवंबर 2022 को। अगर हम इसकी स्टार कास्ट की बात करें, हमारे पास आते हैं जी सिद्धांत चतुर्वेदी, ईशान खतर, कतरीना कैफ और जैकी श्रॉफ ने मेन लीड रोल किया। इसका जो अभी टोटल इंडिया में जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ है 5 दिनों में 10.71 करोड़ रुपीज हुआ है, इंडियन रुपीज। तो ये मूवी बहुत ही देखने के काबिल है और इसमें हर एक सीन कॉमेडी से भरपूर है। एक्टिंग लेवल इसमें नेक्स्ट लेवल है। मैं स्टोरी रिवील नहीं करूंगा क्योंकि जब बंदे स्टोरी रिवील कर देते हैं ना तो मूवी देखने का जो मज़ा है ना वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि ये हाईली रिकमेंडेबल मूवी है, इसको मिस नहीं करना। बहुत मज़ा आया था मूवी देखने का और हमजा ने भी बहुत इंजॉय किया है और इसने तो कुछ सीन्स हैं कि 3 से 4 बारी भी देखे हैं। आए थोड़े से सीन्स मैं आप लोगों के साथ इधर से दिखाता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े के हैं, तो हम रिएक्ट भी करते हैं उसमें। लेकिन ये इस वजह से नहीं है कि इसकी हम आप लोगों को कहेंगे कि यार इधर ही देखें ये, लेकिन सिनेमा में देखने वाली मूवी है। सीन्स इस वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कहेंगे थोड़ा सा इंटरेस्ट आप लोगों को भी पैदा हो कि यार मूवी के क्लिप्स कैसे हैं। तो ये मुझे कुछ क्लिप्स हैं, मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर करता हूँ। तो ये पहला सीन है जो कि चुड़ैल के फोंग वो सीधे करने की कोशिश में करते हैं क्योंकि चुड़ैल उनको डराती हैं। तो वो चुड़ैलों को क्या पता था कि यार ये कैसे बंदे हैं, किन लोगों के साथ मुझे वास्ता पड़ गया। तो ये चेक करें आप पहला सीन, ये अब देख तू लस्सी पावर एक दो बहुत ही फनी सीन था। ये देखिए ये चुड़ैलों के साथ उन्होंने ऐसा हालत की है। अभी हम आप लोगों को दूसरा सीन भी दिखाते हैं। इसके दूसरे सीन में ये होता है कि अब जो मैं अभी प्ले करने लगा हूँ उसमें ये है कि उनके जो वालिद ने जो टोटल इन्वेस्टमेंट की होती है वो उसका हिसाब दिखाते हैं। वो कहते हैं कि यार ये टोटल हमारी इन्वेस्टमेंट है 5 करोड़, हमें वापिस कर दो नहीं तो ये भूत नगरी वगैरह से निकल जाओ। प्ले करता हूँ। और अगर बाई चांस तुम 3 महीने के अंदर अंदर हमारा पैसा वापस नहीं कर पाए तो तुम्हें वचन देना पड़ेगा कि तुम भूतों की दुनिया से हमेशा के लिए आउट हो जाओगे। ये बस थोड़ा थोड़ा सा सीन है। अब ये आप लोगों के साथ मैं तीसरा क्लिप भी इसका शेयर करता हूँ। और जो तीसरा क्लिप है ना वो बहुत ही मजे का है क्योंकि उसमें फुकरे बॉयज की एंट्री हो। ये आप चेक करें फुकरे बॉयज की जो एंट्री होने वाली है। भाई ये तो हमसे भी बड़े फुकरे निकले, भूत निकाल एक दबाई ज्यादा तक। ये आपने देखा है यार इसमें नेक्स्ट लेवल का, क्योंकि जब इन्होंने नया शुरू बिजनेस किया था ना वो फोन कॉल्स के थ्रू था कि यार जो कॉल्स वगैरह लेते थे उसके थ्रू ये था काम शुरू किया, तो फुकरे बॉयज ने इनका चेजा लिया है। बहुत ही मजे का ये सीन था। ये जी मैं चौथा सीन प्ले करने लगा हूं, जो चौथा क्लिप है। छोटी बच्ची हो क्या, ये बड़ा सीन मजे का था। इनको जब पहला कॉन्ट्रैक्ट मिलता है ना वो जो छोटी बच्ची में से जीन निकालने का मिलता है तो वो बच्ची उनकी बटाई कर रही है, ये वो सीन था। ये जो पांचवा क्लिप मैं करने लगा ना ये बहुत ही मजे का है क्योंकि इसमें जो चुड़ैल है ना वो इनको देख के भाग रही होती है। आप ये चेक करें क्योंकि आपको मैंने पहला क्लिप दिखाया था जिसमें वो चुड़ैल के पांव सीधे करने में लगते हैं तो अब चुड़ैल उनको देखती है तो वो भाग रही होती है इनसे। आप ये चेक करें सीन वो देखे वो इतनी बुकलाहट का शिकार थी कि वो ठक के से बाल बाल बची है। मतलब पाँव नहीं बॉडी घुमानी थी। हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट भी है।
फिजियोथेरापिस्ट ये होती हैं जो कतरीना कैफ होती है ना, मरने से पहले वो फिजियोथेरापिस्ट होती हैं, तो इसी की बात कर रहे हैं। तो जुहेल घबरा जाती है इसके बाद। ये छेवा क्लिप जो है मैं वो शेयर करने लगा हूँ जिसमें कतरीना कैफ जुहेल इतना डर के मारे भाग जाती है कि वो अब उसको पकड़ती है। अब देखते हैं इसमें क्या है। वो उनसे डर के मारे इतना भागती है कि वो पाकिस्तान के लाहौर में आ जाती है यार। बहुत ही मजे का सीन था ये। अब ये जो सेवन क्लिप था, सेवन क्लिप में ये होता है कि यार जैकी श्रॉफ भेजता है अपनी एक जो चुड़ैल का निंदा को इनको पकड़ने के लिए। तो अभी ये वो अब सीन में प्ले करता हूँ। कह रहे चैलेंज अगे नहीं दोगे कुछ समझ में नहीं मैं थोड़ी पोटी पोटी कर देनी है, मार मार के तुम्बा बना देना, उसके बाद फोन बुत्ते छोटो कुछ चला। ये चक्कर है यार, ये इतना को है कि इन्होंने जीत चुड़ैलों के साथ भी सही कॉमेडी लगाई है। सीरियस मूवी पूरे थ्रू आउट ही नहीं होती जी, कोई सीरियस नामी कोई चीज चक्कर ही नहीं है इनका। अब जी लास्ट जो क्लिप मैंने किया है आप लोगों को ये प्ले करते हैं। तो ये चुड़ैल उनको कब्जे में करने की कोशिश कर रही होती है, तो उसका ये सीन है, ये चेक करें आप। डैनी कहता है मैं पंजाबी हूँ, थोड़ा डिस्काउंट मेरे लगना चाहिए। ट्रैक नंबर 179 चुड़ैल भी पंजाबी होती है, उसको पंजाबी गाने में ये उलझा देते हैं यार। ये क्या सीन करते हैं ये चेक करेंगे यार। ये मैंने कुछ क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, तो यार इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग उनको सिर्फ ये हिंट देने के लिए है कि ये मूवी मस्ट वॉच है, इसको जाया मत कीजिए। अपने आप करीबी सिनेमा घरों में जाके जरूर देखें, हाईली रिकमेंडेबल है। बताओ यार मूवी देखने के काबिल है कि नहीं है? बहुत ज्यादा काबिल है। तो बच्चों के साथ भी ये मूवी देखी जा सकती है जी। बच्चे ने खुद ये हमजा कल से मूवी यही देखी जा रहा है, 2-3 बार ये इसने मूवी देख ली है। बदकिस्मती ये है कि अभी हमारा बॉलीवुड टोटली इधर बैन है, तो इस वजह से हम सिनेमा घरों में नहीं देख सकते। हमें जो भी कुछ मिल जाए जहाँ से भी किसी लिंक के थ्रू, हमें एक भाई ने शेयर किया था तो हमने उसी के थ्रू देखी है। लिंक नहीं मैं शेयर करूंगा क्योंकि पायरेसी के मसले मसाइल होते हैं इस वजह से। तो हाईली आप लोगों को जो भी हैं इंडियन भाई मेरे देख रहे हैं, तो ये मूवी हाईली रिकमेंडेबल है यार। आप जाके देखो, घरों में नहीं देखनी, सिनेमा घरों में जाके देखो, बहुत ही मजे आएगा आपको। तो हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।